हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बन चिकन शवरमा। ये बन के अंदर चिकन शवरमा बहुत ही टेस्टी लगता है। आज हम आपको बताते हैं क्या इसकी रेसिपी किस तरह है। शवरमा बनाने के लिए हमने 1 किलो चिकन लिए है। इसको इस तरह से लंबा पीसेस में कट कर लिए हैं। आप जिस तरह चाहो, आपको पसंद है, आप उस तरह से कट कर सकते हो। अभी हम इसमें दही ऐड करते हैं। 1 किलो चिकन के लिए 1/2 किलो दही बहुत हो जाती है। ध्यान रखें, हमें सिर्फ इसके अंदर गाढ़ा ही दही लेना है, पानी साइड में निकाल लेना है। डालते हैं 3 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला। स्वाद अनुसार नमक और इसके अंदर मैं 1/2 नींबू पानी ऐड करती हूँ। और इसमें हम थोड़ा से कलर ऐड करते हैं। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं। आप चाहो तो इसे आधा घंटा रख सकते हो। अगर आप जल्दी में हो तो इसे 10 मिनट काफ़ी है। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने 3 टाइप्स के वेजिटेबल्स लिए हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। अभी हम जो चिकन मिक्स करके रखे हुए थे, अभी हम इसमें डाल देते हैं। चिकन को तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अभी हम चेक करते हैं हमारा चिकन पक चुका है। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। अभी हम इसे पूरा सूखने तक इसी तरह से पकाएंगे।
चिकन अच्छी तरह से अभी धो चुका। अभी हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारा अंदर का मिक्सचर पूरा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अभी हम इसे बन में भरने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें ली हूँ, एक तो टमाटो केचप, एक मेयोनीज वेज मेयोनीज और एक वाइट कलर का वेज मेयोनीज। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन शॉर्मा रेडी है विथ वेजिटेबल्स के साथ में। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे YouTube चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए।